हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप गूगल एडसेंस के थ्रू फर्स्ट वीक से ही अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर बिलीव करोगे? आई नो आप लोगों को भी स्टार्टिंग में मेरी बात पर बिलीव नहीं होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर समझेंगे कि आपको अगर एडसेंस के साथ अगर अर्निंग करनी है तो आपको यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल को बनाना है, या आप लोगों को अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, या कोई ऐप को क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ना ही यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाना है, ना ही ब्लॉगिंग करना है, ना ही ऐप को क्रिएट करना है। सिंपल से आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट को क्रिएट करना है। आप यहाँ पर पोस्ट को ही मोनेटाइज कराकर अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है पोस्ट क्रिएट कर अर्निंग करने में, या सिंपल सा काम करते हुए अगर अपनी फिंगर टिप्स पर अगर आप अर्निंग चाहते हैं, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर काम करने के लिए आप लोगों को कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ये प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आप लोगों को यूट्यूब पर जो क्राइटेरिया रहता है, कि आप लोगों को यहाँ पर 4000 अवर्स वॉच टाइम को कंप्लीट करना है, या 1000 सब्सक्राइबर्स होना है, तभी जाकर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग होती है। ये प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। एक सिंपल सा यहाँ पर छोटा सा इनका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को मेट कर आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आई नो यहाँ पर आप लोगों को एक क्राइटेरिया मेट करने में लेस देन अ वीक लगेगा। विद इन वीक में आप यहाँ पर अपना पोस्ट को मोनेटाइज करा सकते हैं और उसके थ्रू अपनी रेवेन्यू बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखेंगे कि कैसे यहाँ पर पोस्ट को मोनेटाइज कराएं, कैसे यहाँ पर एडसेंस को कनेक्ट करें और इसके थ्रू अर्निंग करें। पर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल अमीरास मेंटर पर पहली दफा आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, या अगर आप यहाँ से कुछ भी सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक और दूसरों से शेयर करना भी ना भूलें। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, आज हम जो प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाले हैं वो है यहाँ पर योफैन। आप लोगों को यहाँ पर योफैन पर पोस्ट, या आप शॉर्ट वीडियोस, या आपके यहाँ पर जो भी पेजेस रहते हैं उन्हें लिंक कर इन जनरल यहाँ पर आप अपना पैशन को शेयर कर अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म गूगल एडसेंस के साथ पार्टनर किया हुआ है, या यहाँ पर आपको गूगल एड्स मिलेंगे या नहीं, वो चेक करने के लिए हम आ जाएंगे गूगल एडसेंस की ऑफिशियल साइट पर। और यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स इनके साथ पार्टनर किए हैं गूगल एडसेंस के साथ, तो यहाँ पर हम सी मोर प्लेटफॉर्म पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा योफैन। तो यहाँ पर बेसिकली योफैन भी गूगल एडसेंस के साथ यहाँ पर पार्टनर किया हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर जो भी आप शेयर करेंगे उस पर गूगल के एड्स रन होंगे, जिसकी वजह से आपकी जो अर्निंग है गूगल एडसेंस के थ्रू होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो अर्निंग है एड्स के थ्रू होगी। तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे विजिट साइट पर। जैसे आप विजिट साइट पर क्लिक कर दोगे, ये रिडायरेक्ट कर देगा आप लोगों को योफैन की ऑफिशियल साइट पर। अब यहाँ पर आप लोगों को ट्रेंडिंग प्रोफाइल्स दिख रहे होंगे। आप लोग यहाँ पर कौन सी भी ट्रेंडिंग प्रोफाइल को क्लिक कर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पोस्ट को क्रिएट करने के बाद कैसे यहाँ पर गूगल का ऐड रन हो रहा है। तो यहाँ पर एक ऐड आ गया है, उसको क्लिक कर हम देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि ये जो एड्स है यहाँ पर गूगल एड्स ही है। तो यहाँ पर आप लोगों को श्योर तो हो गया होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर आपकी अर्निंग गूगल एडसेंस के थ्रू होगी। अब यहाँ पर कैसे आप पोस्ट को क्रिएट करें, कैसे यहाँ पर अर्निंग करें, उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को बेसिक से दो स्टेप को फॉलो करने हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट अपनी प्रोफाइल बनाना है, उसके बाद यहाँ पर कंटेंट को शेयर करना है, नेक्स्ट जो है आप लोगों की यहाँ पर अर्निंग होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने वीकली यहाँ पर ट्रेंडिंग पोस्ट है, कि यहाँ पर किस तरीके के यहाँ पर लोग पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर AI का ही हेल्प लेते हुए भी यहाँ पर पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर सिंपली शेयर कर अपना रेवेन्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा फॉलोअर्स या यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पर अगर 50 भी अगर आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपकी यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे जाकर हम सारा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अर्निंग करने का क्राइटेरिया क्या है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। तो चलिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट आ जाते हैं, और जो सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर हमारी प्रोफाइल बनाने का, उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल बनाने से पहले आप लोगों से और एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर अगर आप लोगों के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स है तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भी अर्निंग कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप लोगों को वेबसाइट के सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा, हाउ मच कैन आई अर्न ऑन योफैन, जहाँ पर आप लोगों को ये दिखेगा कि अगर आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स है, अगर आप लोगों के यूट्यूब पर भी अगर कुछ सब्सक्राइबर्स है तो आप यहाँ पर उन सब्सक्राइबर्स उन फॉलोअर्स का यहाँ पर कितना अर्न कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पर यहाँ पर 2000 फॉलोअर्स को सेलेक्ट की हूँ तो मेरी यहाँ पर जो अर्निंग है $59 बता रहा है। वैसे यहाँ पर मैं जो सब्सक्राइबर्स अगर यूट्यूब पर इंक्रीज कर देती हूँ तो मेरे यहाँ पर जो है अर्निंग ज़्यादा बताएगा।
तो बेसिकली आपके जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स रहेंगे उतनी ही ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म से आप लोगों की अर्निंग होगी। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर दूंगी। जैसे आप यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर दोगे, आप लोगों को यहाँ पर आपका निकनेम देने को कहेगा। तो यहाँ पर आप अपना नेम दे दीजिए और साइन अप विद गूगल या यहाँ पर सेपरेट ईमेल एड्रेस देकर लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को लाइक यूट्यूब का जो यहाँ पर आप लोगों का चैनल का बैनर रहता है, सेम उसी वे में यहाँ पर एक बैनर लगाना रहता है। तो आप यहाँ पर बैनर को क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप जब बैनर बनाएंगे तो आप जो पोस्ट लगाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर बैनर लगाइए। जैसे कि मैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर नेल आर्ट रहते हैं उसी से रिलेटेड पोस्ट लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पर मेरा बैनर उसी तरीके का बनाई हूँ। तो यहाँ पर बैनर को लगा देने के बाद आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाइए और यहाँ पर आपका बायो, आप यहाँ पर कौन सी कैटेगरी का यहाँ पर पोस्ट शेयर कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक 50 कैरेक्टर्स का एक शॉर्ट बायो लिख दूंगी कि मेरा यहाँ पर पोस्ट जो है, यहाँ पर मैं योफैन पर जो शेयर कर रही हूँ वो यहाँ पर किससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों को यहाँ पर लिखना नहीं आता है तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं और 50 कैरेक्टर्स का यहाँ पर एक बायो लिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट की कैटेगरी रहेगी वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगेन आप लोगों को सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ये सारा कुछ यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद अगेन यहाँ पर ऊपर आ जाइए और यहाँ से जो राइट मार्क है इसको क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से जो है आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रोफाइल को सेटअप करना था। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर पोस्ट को शेयर करना है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू पोस्ट को सेलेक्ट कर आपकी गैलरी से जो आप पोस्ट को क्रिएट किए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक नेल का आर्ट है इसको सेलेक्ट कर यहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्टेटस वेरीफाइड आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो मैं पोस्ट शेयर करी थी ये वेरीफाई हो चुका है। अगर आप यहाँ पर टैग्स लगाना चाहते हैं या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टैग पर क्लिक कर या टेक्स्ट पर क्लिक कर यहाँ पर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टैग्स या टेक्स्ट लिख देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक राइट मार्क दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर पोस्ट जो है लाइव हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर कितने लाइक्स मिले हैं, कितने व्यू मिले हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर व्यू पोस्ट पर भी क्लिक कर देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कितने व्यूज मिल रहे हैं। इतना ही काम करना है आप लोगों को, जस्ट यहाँ पर पोस्ट को शेयर करना है। अब यहाँ पर आप पोस्ट शेयर करने के बाद कैसे आप लोगों की अर्निंग होगी, क्या यहाँ पर अर्निंग का क्राइटेरिया है, उसकी तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर अर्निंग या क्राइटेरिया चेक करने के लिए 3 लाइंस जो राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिखेगा। आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग्स पर आकर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर कुछ इन लोगों के रिक्वायरमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर आपका पोस्ट तभी मोनेटाइज होगा जब आप यहाँ पर 30 पोस्ट अपलोड करेंगे प्लेटफॉर्म पर और आप लोगों को यहाँ पर टोटल 10,000 व्यूज़ आने चाहिए और यहाँ पर आपके 50 सब्सक्राइबर्स योफैन पर होने चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर गूगल एड्स को रन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर के एडसेंस अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना है। तो आप अगर आपके पास ऑलरेडी एडसेंस का अकाउंट है तो आप यहाँ पर कनेक्ट टू एडसेंस पर क्लिक कर जो ईमेल एड्रेस से ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है उसको कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को और भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगर लिंक्स को अगर लगाना है तो आप लोगों को यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अगर आप लोगों के फेसबुक पर फॉलोअर्स है या अगर आपका YouTube चैनल है तो आप यहां पर सिंपली YouTube चैनल वाले आइकन पर क्लिक कर अपने YouTube का यहां पर चैनल आईडी दे सकते हैं और यहां पर YouTube के भी सब्सक्राइबर्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तरीके से फ्रेंड्स, आप लोगों को यहां पर जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स है उसको यहां पर लाकर कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जस्ट यहाँ पर पोस्ट को शेयर किए थे, अभी यहाँ पर शेयर किए थे और यहाँ पर हमें 11 व्यूज़ मिल गए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर व्यूज़ 1 वीक के अंदर यहाँ पर 10,000 जो यहाँ पर व्यूज़ का क्राइटेरिया है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसके पास अगर एडसेंस अकाउंट नहीं है वो कैसे क्रिएट करें फ्रेश एडसेंस अकाउंट, वो यहाँ पर बता देती हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, सिंपली आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर एडसेंस न्यू अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके लिए आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करना है क्रिएट एन एडसेंस अकाउंट। तो आप लोगों के सामने इसकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। यहाँ पर साइड में 3 लाइन्स पर क्लिक कर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को पूछेगा कि आप लोगों की साइट है क्या, तो आप लोगों को यहाँ पर आई डोंट हैव साइट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जो कंट्री से है वो कंट्री को सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ पर आप इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़कर यहाँ पर आई हैव एक्सेप्ट एट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने को कहेगा। वो वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस दिए थे यहाँ पर आपका एडसेंस को क्रिएट करने के लिए, सेम ईमेल एड्रेस आपको जाकर यूएफएन पर वहाँ पर कनेक्ट करना है। जहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट यूर एडसेंस दिख रहा था ना, वहाँ पर जाकर उसको कनेक्ट करना है। जस्ट इतना ही करना है फ्रेंड्स। ऑलरेडी मेरे पास एडसेंस का अकाउंट है, मैं वही अकाउंट को यहाँ पर कनेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही आपका यहाँ पर जो पोस्ट है मोनेटाइज्ड हो जाता है, उस पर गूगल के एड्स रन होंगे, तो वो जो भी रेवेन्यू रहेगी आपकी डायरेक्टली गूगल एडसेंस के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का मेथड, जहाँ पर आप पोस्ट को मोनेटाइज्ड कर गूगल एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।